करोड़ की योजनाओं की जिनमें पैंसठ योजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी सूबे की अल्पसंख्यक कल्याण पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद युवा कार्य एवं निबंधन विभाग के मंत्री हफिजुल हसन शनिवार को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के मकसद से किसान भवन में समारोह पूर्वक विभिन्न विभागों के 10 करोड़ चौतीस लाख के विकास व जन कल्याणकारी पैसठ योजनाओं का एक साथ आधारशिला रखे जिसमे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से पाँच करोड़ एक लाख चौदह हजार पांच सौ रूपए की लागत से उन्तीस योजनाएं उनचालीस योजनाएं भूमि रस संरक्षण विभाग के मद से तीन करोड़ पचहत्तर लाख की लागत से कई योजनाएं एवं लघु सिंचाई प्रमंडल देवघर के एक करोड़ अंठावन लाख की लागत से तीन योजनाएं शामिल हैं मंत्री हाफिजुल हसन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मधुपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर है जब एक साथ दस करोड़ से अधिक राशि से पैंसठ जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में अभी भी कई जरूरतमंद लोग वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से वंचित हैं। ऐसे में कार्यकर्ता संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क कर जरूरतमंदों को पेंशन स्वीकृति का लाभ दिलवाएं। आवास योजना से भी कार्यकर्ता वास्तविक गरीब लोगों को लाभान्वित करवाएं। क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। इससे वह और उनकी सरकार मजबूत होगी उन्होंने कहा कि नगर एवं पंचायत की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान को लेकर वह लगातार प्रयासरत हैं। मौके पर लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल दुमका देवघर के कार्यपालक अभियंता अश्विनी कुमार भगत जिला परिषद कनी अभियंता राजेश कुमार दीपक बीडीओ मधुपुर राजीव कुमार सिंह बीडीओ डी मार्गो मुंडा जोहान टुडू कांग्रेस नेता फैयाज केसर हाजी अब्दुल रसीद अंसारी झामुमो नगर अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल जीप सदस्य दिनेश्वर किस्कू सुबल चंद्र सिंह अजय सिंह कंगलू मरांडी मुखिया प्रवीण कुमार वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन झामुमो मीडिया प्रभारी समीर अंसारी सपन मिश्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी आज मधुपुर पहुंचे वहीं मधुपुर के भाजपा कार्यकर्ता व नेता हरीभाई पटेल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया इस अवसर पर उनके साथ सारठ विधायक रणधीर सिंह भी मौजूद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी मधुपुर हरिभाई पटेल के आवास पहुंचे भारतीय जनता पार्टी मधुपुर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया उनके साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं सारठ के वर्तमान विधायक रणधीर सिंह भी मौजूद थे दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया कार्यकर्ताओं के बीच बाबूलाल मरांडी ने कहा जिस प्रकार झारखंड में रुपेश पांडे की हत्या की गई एवं रुपेश पांडे की मां कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठी है लेकिन इस सरकार को जरा भी ध्यान नहीं है जिस तरह भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को उनके परिवार वालों से मिलने के लिए रोका गया वह काफी दुख का विषय है भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है स्वागत समारोह में भाजपा के जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया जिला उपाध्यक्ष सचिन रवानी हरिभाई पटेल संजय यादव विकास राय रविन्द्र तिवारी रवि रवानी सुनीता जायसवाल एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे खबरों का सिलसिला न्यूज़लाइन पर लगातार जारी है बने रहे हमारे साथ जल्द लौटेंगे